नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बेहद ही शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है फिल्म इंडस्ट्री से। बता दें कि फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने मुंबई के स्पेशल सीपी देवेन भारती को एक पत्र लिखकर अपने और अपने परिवार के लिए टाइट सिक्योरिटी की मांग की। दरअसल राजकुमार संतोषी ने ये मांग उनकी अपकमिंग फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध के प्रमोशन इवेंट के बाद रखी, जिसके दौरान वहां पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध आने वाले 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है, यानी कि ये वही दिन है जिस दिन महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। आपको बता दें कि उनके 75वीं पुण्यतिथि से थोड़ा पहले इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। दरअसल राजकुमार संतोषी ने अपने लेटर में लिखा गांधी वर्सेस गोट से कि मेरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मध्य से कुछ लोगों द्वारा गलत मंशा के साथ इसमें दखल दिया गया। बाद में मुझे अनजान लोगों द्वारा ढेरों धमकियां मिली। फिल्म की रिलीज और इसके प्रमोशन को रोक दो, इस तरह की धमकियां मुझे दी जा रही हैं। संतोषी ने अपने लेटर में आगे लिखा, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर ऐसे लोगों को बाहर आजाद रहने दिया जाता है तो उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता। संतोषी ने आगे लिखा, इससे सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि जनता को भी नुकसान पहुंचेगा। और इसी को देखते हुए उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। बात करें अगर राजकुमार संतोषी की उस फिल्म के बारे में जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हो रहा है, तो दरअसल आपको बता दें कि गांधी गोट से एक युद्ध की कहानी में प्लॉट 1947 से लेकर 1948 के वक्त के सेट में किया गया है, जब भारत को आजादी मिल चुकी थी। फिल्म की कहानी में दिखाया गया कि गोडसे के हमले में महात्मा गांधी बच जाते हैं, इसके बाद वे उससे मिलने जेल जाते हैं और दोनों के बीच बहस होती है, और इसी को लेकर अब कई लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म को बायकॉट तक करने की मांग की जा रही है, और ऐसे में अब राजकुमार संतोषी ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।